लोकसभा का या विधानसभा का चार साल चुनाव तो पड़े हैं, आज मैदान में इसलिए निकला हूं कि सरकार कहती है पानी की मांग जायज है तो हम करते हैं। मैं सारे हरियाणा के सांसदों से ये मांग करता हूं सतेली की शक्ति से कि अगर वास्तव में आपको पानी की चिंता है तो लोकसभा का सेशन आ रहा है, सारे मंत्री सारे एमपी क्वेश्चन डालो और मांग करो कि इस बार पर नीचे पार्लियामेंट में मुद्दा उठना चाहिए। मैं सभी भाइयों को जो कि यहां मौजूद है भारतीय गणतंत्र दिवस की सर्वमान ग्रहण करता हूं और आशा करता हूं कि केंद्रीय गणतंत्र दिवस जब मनाया जाएगा तो आपके खेतों में सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी दौड़ाया जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए पंजाब हमारी नहर नहीं बनाएगा। जब भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं किसी भी एजेंसी को काम सौंपिए, धरती सूख रही है, पानी नीचे जा रहा है, हर साल किसान को 2 पॉइंट 4 पॉइंट लगाने पड़ रहे हैं, कर्ज जोन हो गए हैं, डूबे लोग खोद नहीं सकते, तो इस धरती को बचाने का एकमात्र साधन केवल नहर का पानी है। इसलिए भाइयों मैं निकला हूं, पंजाब सरकार होश में आओ, हो जाओ, हो जाओ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, भाई नहर का निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो। तो मैं हरियाणा सरकार के सभी विधायकों से, सभी सांसदों से, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो लोकल के हैं, चाहे किसी भी पार्टी के जो भी एमएलए हैं, अरे भाई तुम्हें शर्म आ रही है पानी मांगने के लिए? एस वाई करते हैं तुम्हारी दो पीढ़ियां हिंदुस्तान की राजनीति में कामयाब होगी, एस वाई। और आज जब वोट आया है तो बैठे जाकर के झूठ गाए, अरे हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या तुम बोल नहीं सकते ना किसान आंदोलन हो रहा है, जाओ दूध पिलाओ लेकिन पानी भी मांगो, अब हमारी नहर खुदनी चाहिए, हमारा पानी आना चाहिए।